to be a friend. Now second, A, we have just a kindly hand extended out to one who's unbefriended. Just the will to give and lend, this will make you someone's friend. What can you do for someone who doesn't have friends? आप उसके लिए क्या कर सकते हो जिसका कोई फ्रेंड नहीं है? ये लाइन हम क्वेश्चन कैसे कैसे लिखेंगे? फॉर समवन हू डजंट हैव फ्रेंड्स, कॉमा वी कैन मेक देम आवर फ्रेंड्स वी कैन मेक देम आवर फ्रेंड्स हम उन्हें अपना फ्रेंड बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स देम. देन योर आंसर विल बी टू लॉन्ग चिल्ड्रन एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न. सो अभी इतना ही करवा रही हूं. हाउ एल्स कैन यू बी समवन्स फ्रेंड? और हम किसी के अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं? हम किसी के अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं? वी कैन बी समवन्स फ्रेंड by helping them and by sharing their and by sharing their sadness. Now see children, the page number 16, we have this exercise. So इसमें आपको टू पिक्चर्स दी हुई है and its meaning is given, so we can underline it. See, आपको टिक करना है कौन सी पिक्चर करेक्ट है उस मीनिंग के साथ. विच गोज जस्ट डिस्पोजिशन सनी. अब यार ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, डार्क करके लिखा है, सनी सनी का मीनिंग है धूप. सन दिखा रखा है या वो हंसता हुआ बॉय. इट्स द स्माइलिंग फेस ऑफ अ बॉय. सनी मैंने आई टोल्ड यू इन द लाइव क्लास ऑल्सो एंड टूडे ऑल्सो डेट इधर हेयर द मीनिंग ऑफ सनी इज चेयरफुल नेचर.
तो अब एक जो लाफिंग पिक्चर है बॉय की, टिक द डेथ एंड जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना। अब इधर किस चीज को काइंडली हैंड, हाथ आगे बढ़ाना मतलब हाथ ऐसे आगे बढ़ाना या किसी की हेल्प करना। द गर्ल हु इज हेल्पिंग द ओल्ड पर्सन इज द करेक्ट पिक्चर, सो प्लीज टेक इट। नाउ कम टू एक्सरसाइज पेज नंबर 17। दीज फोर वर्ड्स आर देयर चिल्ड्रन और वी हैव टू इन टू कॉलम्स दे रखे हुए। इन वन वर्ड वी हैव टू एड प्रीफिक्स एंड सेकेंड वी हैव टू एड सफिक्स, मतलब एक में हमें प्रीफिक्स ऐड करना है और एक में हमें सफिक्स मतलब पीछे कुछ ऐड करना है कोई लेटर्स, एंड इन फर्स्ट कॉलम वी हैव टू ऐड सम लेटर्स इन फ्रंट। फॉर एग्जांपल फ्रेंड है, अनफ्रेंड, एंड सेकंड यू कैन ऐड फ्रेंडशिप, तो आपने शिप ऐड कर दिया, अन ऐड कर दिया। सेकंड इज पोलाइट, तो आपने ऐड कर दिया इम्पोलाइट, एंड सेकंड यू कैन से पोलाइटनेस। थर्ड इज एग्री, एग्री का आपने कर दिया फर्स्ट में डिस लगा दो डिसएग्री, एंड सेकंड एग्रीमेंट और एग्रीएबल कई बनते हैं चिल्ड्रन। और पोलाइट का भी आप पोलाइटनेस कर सकते हो, पोलाइटली कर सकते हो। फोर्थ इज अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडिंग। सो You can add anything, prefix and suffix. Do this exercise yourself and then we will check out the answers. हम answers अपने आप check करेंगे. We will check out in live class or through video. Okay children? So that's for today. Thank you everyone. Stay safe, stay at home and stay healthy. Bye for today.